40 साल हो गए अभी तक हॉकी में इंडिया टीम का मेडल नहीं आया है, तो अभी क्वालिफाई भी हो गए हैं, विवेक का गोल भी आया, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। जैसे ही गोल किया वैसे ही मतलब सभी ताली बजाने लगे। हमें ऐसा नहीं था कि खेल में ऐसे बढ़ पाएगा, अप्रोच चाहिए, पैसा चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति खराब है। तरफ में कुछ सुन रहा हूँ, वो बंदा आज ओलंपिक में खेला पार्टी देश का बड़ा बंदा। प्रतिभाएं गांव, देहात, गली मोहल्लों की ऐसी ही तंग गलियों से निकलती है, और जब मेहनत और संघर्ष का सफ़र विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है तो यही प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाकर देश का नाम गर्व से रोशन कर देती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर विवेक सागर की, जिसके ऐतिहासिक गोल ने उसे चमकता सितारा बना दिया है। आज हर कोई विवेक के बारे में जानना चाहता है। विवेक ने ओलंपिक में पहला गोल दागा तो क्या परिवार, क्या रिश्तेदार और क्या इटारसी, क्या मध्य प्रदेश, देश भर के लोग खुशी से झूम उठे। विवेक ने हॉकी इटारसी होशंगाबाद संघ में हॉकी पकड़ना सीखा। महज 8 साल की उम्र में विवेक ने पहली बार हॉकी पकड़ी। विवेक ने ओलंपिक में गोल दागा तो स्थानीय हॉकी संघ भी खुशी से झूम उठा, यहाँ जश्न का माहौल बन गया। हॉकी होशंगाबाद के सचिव कन्हैया गुरियानी ने लोकमत से विशेष बातचीत में विवेक सागर के संघर्ष के सफर की दास्तां बताई कि कैसे विवेक एक छोटी जगह से राज्य पटल फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। विवेक बहुत छोटी उम्र से नॉर्मल 8-9 साल से ही इटारसी ग्राउंड में आता था। जिस जगह का रहने वाला है वहाँ अगर आप देखेंगे चांदून, इटारसी से 12 किलोमीटर दूर है, बहुत छोटा सा इलाका है जहाँ कोई सुविधा नहीं ग्राउंड के नाम पर। वहाँ उसकी दिनचर्या से अपने आपसी दोस्तों से मिलकर खेलना चालू किया, फिर धीरे धीरे वो इटारसी आना चालू हुए। इटारसी आके जब खेला तो एक अनोखी अलग ही प्रवृत्ति थी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा इसका जो चेंज हुआ वो किया है दादा अशोक कुमार जी ने। इसका टैलेंट जो पकड़ा है और यहीं से इसको लेके गए हैं एमपी अकेडमी से खेलने का इसका एक अलग ही निखार रहा है, और काफी अगर खेलने का जो उसका एक उसकी अलग हॉकी चली है। उसने इसको अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट, इतना स्ट्रगल करने के बाद कोई खिलाड़ी पहुंचता है दूसरों के लिए आदर्श हो गया। आज विवेक का ओलंपिक में होना अपने आप को ही हमारे पास इतना गर्व हो जा रहा है कि हमारे बीच का ही लड़का, हमारा इसमें खेलने वाला ग्राउंड का लड़का, जिसमें जिस शहर में कोई टर्फ नहीं, कोई सुविधा नहीं, वो बंदा आज ओलंपिक में खेल रहा, पार्टी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज वाकई हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 2 साल पहले विवेक के साथ के ही 2 बच्चे हमारे खिलाड़ी जूनियर इंडिया कैंप अटेंड करके आए, गीत सिंह ठाकुर और सुंदर सिंह रजावत। अब उनकी भी इच्छा है कि वो भी, अब उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब जब हमारा भाई साथ में गया खेलने, गया ओलंपिक खेला है तो हम भी अपा खेलेंगे। बहुत खुशी हुई कि विवेक का ओलंपिक में चयन होना अपने आप में इटारसी नहीं, देश को गौरवित करने वाला। वहीं अपने लाल विवेक को ओलंपिक में देख माँ कमला देवी और पिता रोहित प्रसाद के खुशी से आंसू छलक गए। वहाँ टोक्यो में भारतीय हॉकी टीम जीती, लेकिन जश्न का माहौल यहाँ ऐसा मना कि मानो अर्जेंटीना के खिलाफ गोल यहीं से दागा गया हो। विवेक प्रसाद के परिवार ने लोकमत से विशेष बातचीत में बारी बारी से अपनी खुशी जाहिर की और विवेक के बारे में ऐसी बातें बताई जो अब तक शायद कोई नहीं जानता। विवेक प्रसाद के बारे में उनकी बहन पूजा प्रसाद कहती हैं कि जब तक विवेक मम्मी से फोन पर बातचीत नहीं कर लेता तब तक वह मैच की शुरुआत नहीं करता। देखते देखते लास्ट मोमेंट में जब विवेक ने गोल मारा था तब हम लोग बहुत खुश हुए थे, और हमारे आसपास के सभी लोग डेली आ जाते हैं वो सुबह सुबह मैच देखने के लिए हमारे घर पे,
वो सभी बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं सभी आ जाते हैं। और जब उन्होंने देखा कि गोल मार दिया विवेक ने, तब सभी खुशी से डांस करने लगे और मम्मी पापा हम सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और वो जब भी मैच खेलने जाता है तो हमेशा वो डेली ही मैच के दिन वो 4 बजे सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो कॉल करता है और मम्मी से बात करता है। जब तक वो बात नहीं करता है मैच खेलने नहीं जाता। तो आज मैच से पहले आज बात हुई थी आपकी इस मैच से पहले? हाँ। अच्छा, तो क्या बात हुई थी? कुछ उन्होंने कुछ अपना प्लान बताया था या कुछ क्या बात करी थी? नॉर्मली बात हुई नहीं थी? कुछ भी नहीं, बस मम्मी से आशीर्वाद। वहीं विवेक की माँ कमला देवी खुशी के पलों को साझा करते करते भावुक हो उठी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। देखें क्या कहती है विवेक की माँ कमला देवी। विवेक ने बोल किया हम सब देख रहे थे मैच चल रहा था, सबने देख रहे थे मैच, और जैसे ही गोल किया वैसे ही मतलब सभी ताली बजाने लगे और इतना खुश हुए हम लोग ने, खुशी के मारे आंख से आंसू गिरने लगा, डांस करने लगे, सभी बच्चों उठ के ताली बजाने लगे, डांस करने लगे। और डांस करते करते मेरे को भी आंख से आंसू गिरने लगा और हमारे बच्चों को भी, सब जितने अगल बगल के सब बच्चे देख रहे थे सब खुश हो गए। वहीं पिता ने लोकमत से बातचीत में बताया कि मैं बाजार गया तो सब खुशी से झूम उठे। टोक्यो से विवेक ने इटारसी में अपने पिता को फोन किया तो बोले बस एक ही सपना है, ज्यादा से ज्यादा गोल और ओलंपिक में गोल्ड। मैं तो बहुत खुशी हो रही है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, गांव में ग्राम में भी और इटारसी शहर जिला अपने होशंगाबाद में और पूरे प्रदेश देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि वो विदेशी धरती पर जाकर और देश के लिए खेला और एक गोल मारा, ये देखकर सबको बहुत खुशी है। बाजार में भी खुशी का माहौल है, मैं ग्राम क्षेत्र में गया था इससे इंटीरियर में जहाँ स्कूल है वहाँ भी सब खुश है और सब हमको बधाई दे रहे हैं, हमें नहीं बेटे को बधाई दीजिए। चलिए बहुत, ये बहुत खुशी की बात है। और आपकी बात होती है विवेक से? जी हाँ बात होती है। तो आप तो आज भी बात हुई थी तो एक ही चीज बोलता है कि हमें गोल और गोल्ड। अच्छा, सिर्फ देश के लिए गोल ही चाहिए? गोल चाहिए और गोल्ड चाहिए। अच्छा, गोल और गोल्ड चाहिए, दोनों के लिए हम भूखे हैं और ये हमारा एक सपना है, करेंगे इसको। अपने बेटे विवेक के सफर को याद कर पिता रोहित प्रसाद कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि विवेक इस मुकाम तक पहुंचेगा। मैं उसको पढ़ाई करते देखना चाहता था लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खेलने में ज्यादा रहा। नहीं, उस समय तो मैं नहीं लगता था क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाना चाहता था और उसका ध्यान खेल में था, वो भाग जाता था खेलने के लिए, तो हमें ऐसा नहीं था कि खेल में इसे बढ़ पाएगा, अप्रोच चाहिए, पैसा चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति खराब है, पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल है। फिर वो तो धीरे धीरे उसकी मम्मी ने और दीदियां थी सिलाई करके मतलब उसको स्पेंड करती थी, पैसा देती थी, वो खेलने जाता, मैंने उसको कुछ पैसा नहीं दिया। फिर जब ये बड़ा भाई उसका लग गया तो वो सपोर्ट करने लगा। वहीं विवेक के भाई विद्या और उनके दोस्त अजय मेहरा बताते हैं कि स्कूली दिनों में हमें लगा कि बस ये बचपन का खेल है, लेकिन पता नहीं था कि विवेक आने वाले दिनों में खेलों की दुनिया में प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। जब हम शुरू में ऑर्नेस फैक्ट्री के ग्राउंड में जाते थे तो विवेक वहाँ पे मिलता था हम लोग को, हम लोग वहाँ फुटबॉल खेलने जाते थे और विद्या और हम, विद्या तो ऐसे घूमने आता था, उसको लेने और छोड़ने कई बार आया है, तो उस टाइम विवेक एक बहुत बड़ा गुमसुम रहता था, कभी ज़्यादा किसी से फालतू बात करता नहीं था, एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति था। तो हमने सोचा था ये जैसे सारे लोग खेल खेलते हैं ऐसा ये बस बचपन का खेल है और जो खेल के कुछ समय बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आज विवेक ने ओलंपिक में जो गोल मारा है ये 40-50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश से एक ऐसा रत्न आया है जिसने हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इटारसी के रहने वाले विवेक भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम में मध्य प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी है। गुरुवार को अर्जेंटीना के खिलाफ मिली जीत के साथ भारतीय हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल में जाना तय हो गया। बहरहाल विवेक देश दुनिया के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। ओलंपिक में उनका पहला गोल सफलता के सागर में पहले कदम जैसा है। सफर अभी लंबा है, इसी तरह चलते रहना
पास ही मंजिल और ठिकाना है।